नाले में गिर गए। क्या माय गॉड, अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। मजा आया। राम राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। चलिए आज मजा आपके नमूनों के मजे लेते हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। Hey, y'all, come look at this. Baby, baby, oh, ah! उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चार दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है कहा, वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो जो दिन है वो दिन गिने कहा से, क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त गिने जाते। जब बना है जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है। तो दिन कहा से गिने? तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, क्या परेशानी। हाँ, तो जब बनाया तो चार दिन में बनाया, वो चार दिन कहा से गिने, ये वो पूछ रहे हैं। चार दिन कहाँ से गिने? हाँ, वो मालिक है, वो चार हजार से गिने। खैर, ये वही अज्ञानी लोग करते हैं जो अपने धर्म को, पंथ को, अपनी आस्था मानने वाले पुस्तकों को विज्ञान के आधार पर परखे बिना बातें करते हैं। बात तो सही है। और आप चौथी बीवी हैं। आपको पता है राबिया अरबी जुबान में अरबाउन से निकला है और अरबाउन का मतलब भी चार है, और आप वही की चौथी बीवी है, ये कैसा इत्तेफाक है? क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो राबिया नाम की लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ, तो मैंने कहा कि चलो नाम का मतलब ये है, तो मैंने यही कहीं चौथे पे फिट होना है तो मैं चौथी शादी ही कर लेती हूँ, चौथी बीवी बन जाती हूँ। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? चौथी बीवी बन जाती हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा सबको सुना दो बोल के, अल्लाह अकबर सुना दो। क्या नहीं बोला तूने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर बोलो। नहीं बोलो, सबको सुना दो अल्लाह अकबर। अच्छी मेरा बोलो, आज मूड नहीं है इसका बात करने का ज्यादा। प्रैंक हो गया आपके साथ। टेररिस्ट का फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान तो हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों से आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वो आयत दू लहुम मस्सतातुम मिन कुवा, जो तुम्हारी कुवत है वो तैयार करो। ठीक है, वो मेरे बात खरी, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबू नबी अदुवल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। और अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो पूरी दुनिया में ताहूत का निजाम चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो निजाम है ये अमेरिका के साथ मिलकर चल रहे थे कि नहीं? अमेरिका अदुवल्ला में है, ठीक है, है ना? ठीक है, आपका। और ये हमारा ये इत्तेहादी किसके थे? अमेरिका के इत्तेहादी अभी तक बने रहे कि नहीं बने रहे? तो अल्लाह के दुश्मनों का जो इत्तेहादी होगा वो अल्लाह ही का, अल्लाह का दुश्मन ही होगा। अच्छा, मजे की बात है कि ये इत्तेहादी आज से नहीं है, जब सोवियत यूनियन को तोड़ने की बात हुई थी ना उस वक्त के इत्तेहादी हैं। हम कहते हैं उस वक्त से ही यहाँ का निजाम तागूती निजाम है, हम कौन से यहाँ का निजाम? हम उनके साथ मिलकर जिहाद कर रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ ना। तो देखिए, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई मुआविन बन रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। पापा बहुत मुझे तंग रखते हैं,
जिस वजह से मैं घर से मजबूर निकल आई हूँ। मेरे साथ बहुत गलत काम करते हैं, नीली गोली दीदी के मेरे साथ करते हैं। बदतमीजी करते हैं आपसे? जी बहुत बार कर चुके हैं। मतलब आपके सगे पिता ही आपके साथ बदतमीजी करते हैं? जी। आप रोजा से हैं? जी। सच में रोजा से हैं? जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक रोजेदार हैं, आपके पिता के खिलाफ बोल रही हैं? जी ना, जब उन्होंने अपनी औलाद के साथ करते हैं ऐसी शर्मिंदा है तो मैं क्यों करूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती, माशाल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, देखिए ये इस्लाम की खूबसूरती। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लाइक कर देना यार वीडियो को। क्यों नहीं? कोई मुसलमान नहीं मानते, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे होगा अपने लिए होगा, कूड़ा होगा, कूड़ा है, कचरा है मेरे लिए। प्रधानमंत्री को नहीं मानते तो यहाँ रह क्यों रहे हैं? जाए ना पाकिस्तान में, जाए पाकिस्तान में, ये क्यों नहीं जा रहे यहाँ? ना वंदे मातरम बोलूंगा, ना भारत माता बोलूंगा, अपनी माँ को बोलूंगा जो बोलूंगा। क्यों बोलूं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों बोलूं ये भाषा? अरे पैदा तो हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की पूजा को खाऊं, हिंदुस्तान की माटी को खाऊं, हिंदुस्तान की माटी खाऊं। इनको सब कुछ चाहिए, सरकार सब कुछ मिला, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ मिला लेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बीवी का शौहर को हमबिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हमबिस्तरी करने से इंकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज अगर शौहर, ये थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हमबिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हदीस में आता है कि कोई औरत, कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हमबिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाद स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती। जाहिलों का कोई शहर नहीं क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली। कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? रुको जरा सबर करो। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो साथियों आशा करता हूं आपको भी मजा आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप देखिए ये लास्ट क्लिप, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। पता है कि श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों बनाई हुई? मैं बताता हूँ, एक शहजादा था जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, कई ज्यादा शहजादियां मरती थी उसपे, लेकिन वो किसी के साथ शादी करने को तैयार नहीं था। उसके बाप ने उसको बहुत ज्यादा मजबूर किया कि बेटा शादी कर लो, तो उसने एक शर्त रखी। उसने सारी शहजादियों को इकट्ठा किया, सबके हाथ में बीज दिए। सारी शहजादियों को उसने कहा कि ये बीज उगा लो, जिसका गुलाब सबसे ज्यादा खूबसूरत निकला मैं उससे शादी करूंगा। कई साल बाद जब वो सफर से वापस आए, सारी शहजादियां उसके पास फूल लेके आई, किसी का लाल गुलाब, किसी का पीला गुलाब, किसी का कैसा, किसी का कैसा, कोई एक गुलाब लेके आ रहे, कोई दो गुलाब लेके आ रहे, कोई गुलदस्ते लेके आ रहे पूरे के पूरे, लेकिन एक शहजादी के पास कोई गुलाब नहीं था। तो शहजादे ने उससे पूछा कि सब गुलाब लेके आए, तुम क्यों नहीं लेके? तो उसने कहा कि आपने जो बीज दिए थे वो गुलाब के थे ही नहीं। तो शहजादे ने कहा कि ये वाहिद लड़की है जो सबसे ज्यादा ईमानदार थी, मैंने तो जब गुलाब के दिए ही नहीं बीज, तो आपने कहां से गुलाब लेके? तो इसका मतलब आप सिर्फ शादी के ख्वाहिशमंद थे। तो उसने उससे शादी कर ली। तो जो श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार है ना भाई, मुझे भी नहीं पता क्यों है, आपको पता लगे मुझे बता देना। और भाई साहब जब शेर के हाथ में तलवार है तो तुम्हें क्या तकलीफ है ये बताओ? कभी शेर ने तुम्हारे घर में आकर तुमसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में मोबाइल क्यों है? अरे वेलिया वाम छोड़ा यार, अपना काम करो जाके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।